बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टोन मीडिया में। मैं हूं राज रॉब दिख रहा है स्टोन मीडिया शुरू चैनल। बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर पार्ट वन स्पेशल का परीक्षा फॉर्म फिलअप किया जा रहा है। पार्ट वन स्पेशल एग्जाम कब होगा इसके बारे में विश्वविद्यालय अभी नहीं बताई है। 28 मई तक वैसे छात्र छात्राएं जो 21 से 24 के हैं पार्ट वन में वो फेल हो गए हैं या प्रमोटेड हो गए हैं, अभी तक के उनका पार्ट वन क्लियर नहीं है। ये लास्ट चांस है पार्ट वन क्लियर करने का। और 22 से 25 के वैसे छात्र छात्राएं जिनका पार्ट वन छूट गया था या प्रमोटेड हो गए थे या फेल हो गए थे। देखिए बिहार विश्वविद्यालय में पार्ट वन का जो परीक्षा फॉर्म फिलअप हो रहा है ये लास्ट है, इसके बाद से पार्ट वन स्पेशल वगैरह, पार्ट वन का तो खैर नाम ही अब नहीं आएगा, सेमेस्टर सिस्टम चल गया है। तो जो पार्ट वन जिनका क्लियर नहीं है वैसे छात्र छात्राओं के लिए यह अंतिम मौका है। यदि इसमें फेल होइएगा तो फिर गया आपका रजिस्ट्रेशन एडमिशन काम से, किसी काम का नहीं रहेगा आपका, समझिए। तो 3 साल वाला सारा पार्ट वन यदि गड़बड़ाता है तो पार्ट टू क्लियर किए हो या पार्ट थ्री क्लियर करेंगे 24 वाले, सारा का सारा बेकार चला जाएगा। इसलिए यदि आपका पार्ट वन क्लियर नहीं है, आप इस दोनों सेशन में से किसी भी सेशन के स्टूडेंट है, तो सावधानी पूर्वक जो डेट दिया गया है उसमें परीक्षा फॉर्म फिलअप करें और परीक्षा की तैयारी करें। देखिए पार्ट वन स्पेशल एग्जाम इसका नाम दिया गया है कि एक स्पेशली इस एग्जाम को करवा दिया जा रहा है, यह रेगुलर कोर्स का एग्जाम नहीं है, बस छूटे हुए छात्र छात्राओं के लिए इस एग्जाम को करवाया जा रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि हाँ इसके लिए स्पेशल सिलेबस आएगा, स्पेशल गेस्ट पेपर आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो पार्ट वन का जो एग्जाम पहले होता था और जो सिलेबस था वही सिलेबस है और वही गेस्ट पेपर है जो पार्ट वन के लिए पहले आता था। देखिए पार्ट वन का गेस्ट पेपर और क्वेश्चन बैंक इस दोनों से ही, ये दोनों माध्यम है, इसी से आपको प्रिपरेशन करना है। आपके पास पुरानों को वाला है ना गेस्ट पेपर पार्ट वन का, तो उसी को पढ़िए, वही सिलेबस है, वही से जो है कि आपको तैयारी करनी है। हाँ आपके पास नहीं है पार्ट वन का गेस्ट पेपर या पार्ट वन का क्वेश्चन बैंक तो आप चाहे तो पीडीएफ फॉर्मेट में मेरे से ले सकते हैं, अदरवाइज आप कहीं से भी इसका इंतजाम कर ले। यदि मेरे से आपको पार्ट वन स्पेशल एग्जाम के लिए गेस्ट पेपर चाहिए, क्वेश्चन बैंक चाहिए अपने सब्जेक्ट का, तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें, जो जो सब्जेक्ट का चाहिए सबका नाम लिख के भेजे कि ऑनर से कि सब्सिडरी है, और क्वेश्चन बैंक चाहिए या गेस्ट पेपर उसका नाम बताए, कुछ मेंटेनेंस चार्ज आपको पे करना होगा, उसके बाद जो है कि व्हाट्सएप पर पीडीएफ फॉर्मेट में भेज दिया जाएगा, आप घर बैठे तैयारी कर पाएंगे क्वेश्चन बैंक और गेस्ट पेपर से पार्ट वन स्पेशल एग्जाम के लिए। अब चलिए फॉर्म भरने की बात करते हैं। आपको तमाम स्टूडेंट यदि हम डेट की बात करें, देखिए ये RMLS कॉलेज मुजफ्फरपुर है, इन्होंने कहा कि हम 15 तारीख से 15 मई से लेकर 27 मई तक परीक्षा फॉर्म फिलअप करेंगे पार्ट वन स्पेशल एग्जाम का, जो कि सेशन 21 से 24 वालों के लिए है और 22 से 25। देखिए कुछ छात्र छात्राएं कहते हैं कि सर 20 से 23 वालों के लिए भी जो है कि मौका मिलना चाहिए, तो ऐसा नहीं है। 20 से 23 वाले का सारा अटेम्प्ट खत्म हो चुका है। 3 साल वाला ग्रेजुएशन में किसी भी पार्ट को क्लियर करने के लिए 3 अटेम्प्ट मिलता, तो 20 से 23 जब पार्ट वन का आपने एग्जाम दिया तो एक आपका सेशन के साथ आपका जो कि अटेम्प्ट, फिर जब 21 से 24 के साथ जो पार्ट वन का एग्जाम हुआ इसका 21 से 24 वाला उसके साथ एक अटेम्प्ट, फिर 22 से 25 का जो पार्ट वन का एग्जाम हुआ उसके साथ एक अटेम्प्ट, तो 20 से 23 वाले का तीनों अटेम्प्ट खत्म हो चुका है, तो 20 से 23 वालों को मौका नहीं मिलेगा। मौका देती है यूनिवर्सिटी तो फिर वो इनवैलिड हो जाएगा, रेगुलेशन के खिलाफ होगा। ऐसा तो नहीं कि यूनिवर्सिटी अपने मन से कुछ हो कर दे, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन UGC के रेगुलेशन के हिसाब से सारी यूनिवर्सिटी को काम करना पड़ता है। तो 20 से 23 वाले आपका 3 अटेम्प्ट खत्म हो चुका है, आपको पार्ट वन क्लियर करने का मौका इसमें नहीं मिलेगा। बस ये 21 से 24 और 22 से 25 वाले का अटेम्प्ट बचा हुआ है, ये कर सकते हैं। अब कहेंगे सर 22 से 25 वाले का तो अभी एक और अटेम्प्ट बचा हुआ है, तो ठीक है बचा हुआ है, लेकिन अब ये कोर्स बंद हो गया इसलिए आपका भी ये लास्ट डे है। कोर्स रहता है 3 साल वाला, चलता रहता अभी तो जो कि 2 अटेम्प्ट रहता, लेकिन अब ये 1 अटेम्प्ट है, इसी 1 अटेम्प्ट में आपको क्लियर कर लेना है। तो देख पा रहे ये डेट दी अलग, उसके बाद देखिएगा तो ये SLK कॉलेज सीतामढ़ी है, इन्होंने कहा है कि 26 तक हम परीक्षा फॉर्म स्वीकार करेंगे स्पेशल वालों के लिए 16 तारीख से। तो कहने का मतलब ये है तमाम स्टूडेंट की 16 मई से लेकर के 25 मई तक पार्ट वन स्पेशल एग्जाम वाले छात्र छात्राएं आप लोग जो है कि फॉर्म भर लीजिएगा, छूटिएगा नहीं, यदि छूटे तो गए काम से, फिर आपको 4 साल वाला ग्रेजुएशन करना होगा। चलिए देखिए ये वाला फॉर्म आपको कॉलेज से मिलेगा भरने के लिए, ये वाला आप देख पा रहे हैं, इसमें जो है कि देखिए पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थ्री है,
तो पार्ट वन पर जो टिक लगा दीजिएगा सही है कि हम पार्ट वन कर ही रहे हैं, आप प्रमोटेड हो गए हुए हैं या फेल हो गए हुए हैं, ये वाला जो फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पर लिख देना है, आप देख पा रहे हैं। उसके बाद से तमाम स्टूडेंट अपना नाम लिखना है, फादर नेम, मदर नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी है, और कैटेगरी में देखिए यहाँ कैटेगरी में ईडब्ल्यूएस है, बीसी, ईबीसी, डब्ल्यूबीसी, एससी, एसटी बताना है। रजिस्ट्रेशन नंबर, ये कौन वाला रजिस्ट्रेशन नंबर आपको बताना है, कौन वो वाला जो पार्ट वन में आपको रजिस्ट्रेशन जब यूनिवर्सिटी से हुआ था तो रजिस्ट्रेशन कार्ड मिला था या रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिला था, आपके एडमिट कार्ड पर भी रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, वो यहाँ पर डाल देना है। एग्जाम रोल नंबर कौन वाला, जो पार्ट वन का आपका एडमिट कार्ड आया था ना, पार्ट वन यूनिवर्सिटी से आप प्रमोटेड हो गए या जो कि फेल हो गए हुए हैं, तो वही पुराने के रोल नंबर डालना है, नया नहीं। आप लोगों का रोल नंबर वही रहेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर वही रहेगा जो फर्स्ट ईयर में आपको मिला था, एडमिट कार्ड प्रमोटेड हो गए थे या फेल हो गए थे। अब कोई छोड़िए दिए हुआ है तो अपना वो कॉलेज से पता कर ले अपना रोल नंबर। उसके बाद से देख पा रहे हैं एड्रेस यहाँ पर आपको लिखना है। अब देखिए यहाँ पर आपको अपना ओरिजिनल सेशन लिखना है। कोई बच्चा 21 से 24 का है और वो पार्ट वन का एग्जाम स्पेशल में देना चाहते हैं तो वो अपना सेशन यहाँ पर 21 से 24 लिखिएगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 21 से 24। अगर कोई बच्चा 22 से 25 वाला है तो अपना 22 से 25 यहाँ पर लिखिएगा। उसके बाद से कॉलेज का नाम, जहां पर आपका एडमिशन है, जिस कॉलेज में फॉर्म भरिएगा वहीं पर आपका एडमिशन होगा तो उसी कॉलेज का नाम लिख दीजिएगा। उसके बाद से कोर्स का नाम लिखना है तो कोर्स में क्या लिखिएगा, देखिए बीए, बीएससी, बीकॉम है, इस तीनों में से कोई आपका होगा ना, बीए चाहे बीएससी चाहे बीकॉम होगा तो यहाँ पर बीए, बीएससी, बीकॉम तीनों में से कोई आपका होगा वो लिख दीजिएगा। और ऑनर्स सब्जेक्ट आपका क्या था वो आपको बता देना है कि मेरा ऑनर्स ये है, यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद से अब यहाँ पर बारी आएगा कि जिस सब्जेक्ट का आप एग्जाम देना चाहते हैं, जो आपका क्लियर नहीं है उसी सब्जेक्ट का नाम लिखिए। यदि कोई स्टूडेंट यहाँ पर ऑनर्स में फेल है या प्रमोटेड है तो यहाँ पर लिख देंगे अपना सब्जेक्ट का नाम, आप ब्रैकेट में जो है कि ऑनर्स लिख दीजिएगा। कोई होगा कि दो सब्जेक्ट में जो है कि वो फेल होगा तो देखिए यदि सब्सिडरी में आप फेल है तो साफ साफ आपको लिखना पड़ेगा कि मान लीजिए कोई हिस्ट्री सब्सिडरी में फेल है तो हिस्ट्री लिख करके और ब्रैकेट में वो सब्सिडरी लिखेगा। कोई दो सब्जेक्ट में फेल है मतलब कि ऑनर्स में भी है और सब्सिडरी में भी है तो ऊपर सब्जेक्ट का नाम प्लस में ऑनर्स लिख दीजिएगा और नीचे सब जो कि अपना दूसरा सब्जेक्ट प्लस में सब्सिडरी लिख दीजिएगा। बाकी और भी डिटेल्स जो है कि आप अपने कॉलेज से भी पूछ लीजिएगा। आप देख पा रहे मैं ओवरऑल आपको जानकारी दे रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर सिग्नेचर कर दीजिएगा यहाँ पर देख पा रहे। और इसके साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं तो देखिए डॉक्यूमेंट के लिस्ट भी कॉलेज के जो कि नोटिस पर मेंशन है। आप देख पा रहे हैं पहला में महाविद्यालय से प्राप्त परीक्षा प्रपत्र की मूल प्रति, तो ये तो खैर नहीं होगा, ये वाला जो भरिएगा ना पॉइंट नंबर वन मान लीजिए, आप देख पा रहे कौन ये वाला, आप मान लीजिए ये वाला हो गया। दूसरा नंबर में देखिए स्नातक प्रथम खंड का अंक प्रमाण पत्र, पार्ट वन का जो आपका क्या अंक प्रमाण पत्र कहा जा रहा है, जो रिजल्ट आया था जिसमें आप फेल हो गए थे या प्रमोटेड हो गए थे वो वाला मार्कशीट आप लगा दीजिएगा नेट से डाउनलोड करके या ओरिजिनल वाला। देखिए प्रमोटेड होने के बाद भी या फेल होने के बाद भी जो है कि मार्कशीट ओरिजिनल कॉलेज में आता है तो आपको मिला होगा प्रमोटेड वाला मार्कशीट तो प्रमोटेड वाला लगा दीजिएगा या फेल वाला मिला होगा ओरिजिनल तो उसका जीरोक्स करके लगवाइएगा। आप देख पा रहे हैं उसके बाद से यदि नहीं मिला है आपको तो नेट से डाउनलोड किए होगा ना रिजल्ट देखे होगा तो वाला लगा दीजिएगा। उसके बाद से जो आपको पार्ट वन में जो आपका एडमिट कार्ड मिला था वो लगा दीजिएगा। अब यहाँ पर पंजीयन प्रपत्र कहा जा रहा है तो रजिस्ट्रेशन स्लिप आपको उसका जीरोक्स लगाना है और आधार कार्ड का जीरोक्स। देखिए इसमें से किसी का भी ओरिजिनल नहीं लगाइएगा, जीरोक्स लगाइएगा, यहाँ पर छाया प्रति लिखना चाहिए था कॉलेज को। उसके बाद से देखिएगा तो आर्ट्स साइंस कॉमर्स 750 रुपया यहाँ पर जो है कि इस कॉलेज का फी है प्रमोटर स्टूडेंट के लिए 21 से 24 या 22 से 25 के लिए परीक्षा फॉर्म शुल्क। हालांकि सब में सेम नहीं है, देखिएगा तो ये SLK कॉलेज सीतामढ़ी है, यहाँ पर देखिएगा तो कहा जा रहा है एग्जामिनेशन फॉर्म शुल्क 950 रुपया जनरल और BC2 के लिए और एग्जामिनेशन फॉर्म शुल्क BC1 और SC ST के लिए, मतलब कैटेगरी वाइज देख पा रहे जनरल और BC2 के लिए 950 और नीचे देख पा रहे हैं कास्ट करियर के हिसाब से 700 रुपया इसके लिए। अच्छा ये कॉलेज क्या कर रही है, ये मांग रही है कि अगर प्रमोटेड या फेल हो तो पार्ट वन के मार्कशीट की फोटो कॉपी आप लगाइए जिसमें आप फेल हो गए हुए या प्रमोटेड हो गए हुए एग्जाम तो दीजिएगा ना। नामांकन रसीद की फोटो कॉपी की जब पार्ट वन में आप एडमिशन करवाए थे तो देखिए नामांकन रसीद भी ले जाइएगा, फर्स्ट टाइम जब पार्ट वन में एडमिशन हुआ था इसलिए मैं कहता हूं कि कोई भी रसीद आपका भुलाना नहीं चाहिए, ये रसीद की फोटो कॉपी मांग रही है। उसके बाद से कह रही है कि एक पासपोर्ट साइज फोटो और परीक्षा
फॉर्म एवं परीक्षा शुल्क की रसीद। तो परीक्षा फॉर्म कौन वाला, ये वाला, कौन ये वाला, तमाम छात्र छात्राएं आप देख पा रही, ये वाला। अच्छा, आप लोग जो है कि फोटो लेके जाइएगा, फोटो यहाँ पर चिपकाना होगा, इस जगह पर आपको चिपकाना होगा। तो मोटा मोटी देखिए, सब कॉलेज अपने अपने हिसाब से जो है कि डॉक्यूमेंट मांग रही है, लेकिन आप लोग जो डॉक्यूमेंट लेकर के जाना है, मैं यदि आपको बता दूं तो पार्ट वन का एडमिट कार्ड, पहलका वाला, प्रमोटेड वाला, उसके बाद से उसका मार्कशीट और पंजीयन प्रपत्र, आधार कार्ड ले लीजिएगा, कास्ट सर्टिफिकेट आप पे लागू होता है तो, और फोटो रख लीजिएगा। तमाम स्टूडेंट आप देख पा रहे हैं, यही सब चीज है। तो आप लोग 25 तक परीक्षा फॉर्म फिल जो है कि कर दीजिए, उसके बाद से आप लोग तैयारी में लगे रहिए। दोबारा जो है आपको मौका नहीं मिलेगा, आपको स्टडी मटेरियल, गेस्ट पेपर और क्वेश्चन बैंक चाहिए तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप ले सकते हैं। बाकी जो VVI क्वेश्चन होगा वो एग्जाम के समय में दिया जाएगा। उम्मीद है कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। पैसा जो है कि हर कॉलेज में जो है कि माने ना 1000 रुपया के आसपास में जो है कि आपको फॉर्म का शुल्क लग सकता है, यदि आप जनरल कैटेगरी से है तो, यदि आप किसी रिजर्व कैटेगरी से है तो उससे कम भी लग सकता है। तो इस तरीके से आप फॉर्म फिलअप करेंगे, बाकी थोड़ा मोरा नियम वगैरह इधर उधर होगा तो आपको अपने कॉलेज से पता कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए।